गूगल ड्राइव से जिसको इश्यू है डाउनलोड करने में ना, उनको अपना लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ करना है, तभी आप डाउनलोड कर पाइएगा। ऐसे एक सेकंड ऑप्शन है जो कि हम लोग अपने सर्वर्स पे उसको अपलोड कर रहे हैं, और वो अंडर प्रोसेस है, मतलब अभी अपलोड हो ही रहा है बिकॉज 4 GB का सॉफ्टवेयर है, तो वो अपलोड हो रहा है। उसका लिंक जैसे ही वो अपलोड होगा मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप वो जिस जिस जिन जिन का गूगल ड्राइव से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है टूल, वो लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आई नो बहुत से लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, किसी किसी को इश्यू हो रहा होगा, तो मैं जो सेकंड लिंक शेयर करूँगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, मोबाइल से नहीं होगा, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करना है ना। मोबाइल पे तो वो टूल काम ही नहीं करेगा, तो डाउनलोड करके फ़ायदा क्या। मॉड्यूल 1 अनजिप नहीं हो रहा। ओके, मैं उसको चेक करता हूँ। गूगल ड्राइव पे कोई क्लास मिस नहीं है, अगर वो वहाँ नहीं है इसका मतलब उस दिन क्लास नहीं हुआ है। ओके, तो कोई बता सकता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, आज हमको क्या करना है? एनीवन, लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था? आई थिंक सिस्टम हैकिंग क्या? एनीवन? यस, प्रैक्टिकल, बट किस चीज़ का प्रैक्टिकल था? एनीवन? गाइडलाइंस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बट क्या हम लोगों ने सिस्टम हैकिंग मॉड्यूल का थ्योरी कंप्लीट किया था? एनीवन? सिस्टम हैकिंग का थ्योरी? ओके, सिस्टम हैकिंग का थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। तो प्रैक्टिकल किस चीज़ का आप लोग कह रहे हैं, किस चीज़ का प्रैक्टिकल था? बिकॉज आई थिंक स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग और एनिमेशन का प्रैक्टिकल तो हो चुका था। टूल्स का प्रैक्टिकल ऐसे कैसे हो जाएगा? टूल्स जैसे जैसे हम लोग मॉड्यूल्स कवर करेंगे वैसे वैसे उन टूल्स का यूज़ आएगा, तभी उन टूल्स को यूज़ करेंगे हम। एनुमरेशन, स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग, इन तीनों का एंड जो प्रैक्टिकल था, क्या हम लोगों ने लिनक्स पे नहीं किया था? ओके, इट मींस कि हम लोगों ने WP स्कैन का प्रैक्टिकल नहीं किया था। ओके, एंड HPing 3, HPing 2 का प्रैक्टिकल? ओके, तो आज हम लोग एनुमरेशन, स्कैनिंग और फुटप्रिंटिंग में से तीनों मॉड्यूल से एक एक टॉपिक उठा के हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस में हम लोग Nmap, स्कैनिंग में भी हम लोग करेंगे Nmap और कुछ कुछ अलग टूल्स, और एनुमरेशन में हम लोग करेंगे HPing 2, HPing 3 और WP स्कैन। तो ये 3-4 टूल्स का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना विंडोज़ को कॉन्फ़िगर करके कनेक्ट कर लेता हूँ। सो इन मीन टाइम आप लोग 5 मिनट प्लीज़ वेट कीजिएगा, 5 मिनट के लिए सभी लोग वेट कीजिए और लाइव चैट में कुछ टाइप मत कीजिएगा। ओके, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग माई विंडोज़ लैपटॉप फॉर प्रैक्टिकल। एवरीवन प्लीज़ वेट।
ओके, तो सबसे पहले हम अपना काली लिनक्स बूट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, चैट पे आप लोग स्पैम प्लीज़ मत किया कीजिए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। जैसे कि मैंने कहा 5 मिनट वेट करने को, तो प्लीज़ पेशेंस रखा कीजिए। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइव क्लास, ग्रेट। आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, जितने रिकॉर्डिंग्स है ड्राइव पे उतने ही हैं। कोशिश कीजिए लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले थोड़ा अपना स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, नेटवर्क का स्पीड कैसा है, उसी बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इंटरनेट सही से चल रहा है, लेट अस स्टार्ट। पहले अपना वर्चुअल मशीन बूट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू है।
ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने एन मैप से। ओके तो एन मैप का कमांड कैली लिनक्स हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं एन मैप। ओके जनरली किसी किसी सिस्टम में रूट परमिशन नहीं होता है तो वो लोग सूडो यूज़ कर सकते हैं, सूडो एंड एन मैप। ओके नाउ सूडो एन मैप और इसके साथ साथ हम लोग कुछ कमांड्स पास करते हैं। कैसे कमांड्स? कुछ फ्लैग्स होते हैं जैसे कि आईपी एड्रेस पास करते हैं, पोर्ट नंबर पास करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कमांड पास करते हैं। तो ये कमांड्स हमको कहाँ से मिलेगा? वेल सबसे पहला तरीका है या तो हम लोग अपने विंडोज़ में, जस्ट अ सेकेंड, या तो हम लोग अपने विंडोज़ में एन मैप को ऑन करके वहाँ से कमांड उठा सकते हैं। जैसे कि मैं एन मैप पहले ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो आप जब आईपी एड्रेस डालते हो कमांड्स ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाते हैं। उस कमांड को आप कॉपी करके लिनक्स में पेस्ट करेंगे टर्मिनल में तो वो कैली लिनक्स में एन मैप वैसा का वैसा ही रन करेगा। तो इसको हम ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके काइंडली वेट। ओके तो जैसा कि ये ओपन हो गया, अब यहाँ पे हम कुछ भी आईपी एड्रेस डालते हैं, सपोज 163.53.78.10। अब यहाँ पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस डाला, प्रोफाइल इंटेंस स्कैन सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो कमांड है वो बिल्ड हो गया। ओके अब इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं हमारे टर्मिनल में। आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे सभी सूडो पेस्ट सिलेक्शन। अब जैसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो एन मैप अपना काम जो है वो शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सूडो यूज़ किया था, इसलिए हमको है पासवर्ड देना होगा अपने सिस्टम का। अब एन मैप अपना जो ऑपरेशन है, जनरली जो एन मैप के वेब ऐप जो डेस्कटॉप वर्जन में काम करता है वैसे ही यहाँ भी काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना स्कैनिंग इसने शुरू कर दिया है और यहाँ पर स्कैनिंग का जितना भी रिजल्ट हमको एन मैप के डेस्कटॉप वर्जन में आता था जेन मैप में, वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके रिजल्ट्स आने में कभी कभी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी वेबसाइट है। आई थिंक इस पर कुछ ज़्यादा ही ऑपरेशन हो रहा है वेबसाइट पे, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इसको हम करते हैं टर्मिनेट। आई थिंक हमको यहाँ से बंद करना पड़ेगा।
कोई और वेबसाइट का चेक करते हैं पहले, आईपी एड्रेस उसके बाद करते हैं। पिंग सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम, तो ये है इसका आईपी एड्रेस। ओके अब एक और टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना जो सिलेक्शन है वो पेस्ट कर देते हैं और आईपी एड्रेस 241.216.11। वन सिक्स टू डॉट टू फोर वन, हिट एंटर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ कुछ डिटेल्स, जैसे कि इतने सारे पोर्ट्स ओपन हैं, इसका होस्ट नेम है बॉक्स 5331.bluehost.com, टोटल 1000 पोर्ट्स हैं और ये कुछ कुछ डिटेल्स। तो ये भी स्कैन करते रहेगा और अलग अलग पोर्ट्स को डिस्कवर करते रहेगा। ओके यहाँ पे हम लोग का ये स्कैनिंग कंप्लीट हो गया और जितने भी रिजल्ट्स हमको मिल सकते थे ZenMap में, विंडोज़ वाले ZenMap के वर्जन में, वैसे रिजल्ट्स हमको यहाँ भी मिलेंगे। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस है बस प्लेटफॉर्म का। वो ZenMap ZenMap के नाम से विंडोज़ के लिए था और ये ZenMap Kali Linux के लिए था। तो ये तो हो गया हम लोग का स्कैनिंग पार्ट से ZenMap का। ओके अब हम थोड़ा समझते हैं WP scan, जो कि enumeration topic से है। तो ऐसे हम लोग ZenMap यूज करते हैं Kali Linux के लिए। टर्मिनल ओपन करते हैं तो इस टूल का नाम है WP scan। WP scan WordPress enumeration टूल है। WordPress का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि WordPress क्या होता है। WordPress एक ओपन सोर्स एक एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से आप वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ओके WooCommerce बना हुआ है PHP पे, इसीलिए ये एक एप्लीकेशन हो गया जिसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर स्कैन नहीं कर सकते हैं, एनुमरेट नहीं कर सकते हैं। बट WP scan जो है बहुत ही हाई लेवल का टूल है जो कि Kali Linux में अवेलेबल होता है, इसके हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हम लोग जो ऑपरेशंस है वो कर सकते हैं। अब कैसे कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं WP scan से। WP scan से पहले तो हम लोग उस वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन्स, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स और कौन कौन से थीम्स यूज़ हो रहे हैं, उनके वर्जन कौन कौन से हैं, ये पता लगा सकते हैं हम। उस वर्डप्रेस वेबसाइट के कितने यूज़र्स हैं,
चाहे वो एडमिन से लेके कोई एक नॉर्मल यूज़र क्यों ना हो, वो सारे के सारे यूज़र्स का लिस्ट हम लोग एनुमरेट कर सकते हैं। अगर कोई पासवर्ड फोल्डर है उसको हम लोग एनुमरेट करके पासवर्ड्स पता लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले लेट अस डू इट, sudo wp scan hyphen url, ट्राई करते हैं blogs.olacabs.com। ओला कैब्स जो है उसका ब्लॉग वेबसाइट बना हुआ है वर्डप्रेस पे, इसलिए उसको हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज sudo? sudo एक कमांड है जो आपको एडमिन एक्सेस देता है। बहुत से लोगों के कैली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट एक्सेस नहीं होता होगा, तो रूट एक्सेस ना होने के कारण आप कुछ कमांड्स ऐसे कमांड्स जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, डिनाइड बताएगा, या तो पूरी फुल पावर से वो जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए उन कंडीशंस से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे रूट कमांड sudo कमांड का यूज़ करते हैं। sudo कमांड जब यूज़ करेंगे और जब उस कमांड को आप रन करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड देने का। अब वहाँ पे पासवर्ड जैसे ही देंगे आपका वो कमांड जो है एडमिन राइट्स के साथ रन होगा। तो sudo wp scan hyphen url और hyphen hyphen url, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे होगा hyphen hyphen url और उस वेबसाइट का नाम जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अगर आपने sudo कमांड यूज़ किया तो आपसे पासवर्ड मांगेगा आपके सिस्टम का, और जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही wp scan जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि wp scan WordPress security scanner by WP scan team version 3.8.2. It seems like you have not updated the database for some time. तो कभी कभी डेटाबेस को अपडेट करना होता है ताकि WP scan को नए नए अपडेट्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे why? Yes. तो WP scan पहले डेटाबेस अपडेट करेगा, देन वो जो स्कैनिंग है उस blog.olacaps.com पे उस पर शुरू करेगा। The scanning, the remote website is up, but does not seem to be running WordPress. तो ये पता भी लगा सकता है tools कि ये WordPress पे बना है कि नहीं है। तो I think मैंने URL गलत डाला है, ये होगा blog.olacaps.com, I hope so. फिर enter करते हैं, अब देखते हैं start होता है कि नहीं। Okay, तो start हो चुका है। URL blog.olacaps.com, IP address ये है, started on Monday. अभी जितने भी चीज़ें इसको मिल सकते उसको ये एनुमरेट करेगा। ओके तो ये सब पता लगाने का फायदा क्या हुआ? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ एरर्स आ रहे हैं। वर्जन इज आउट ऑफ डेट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी आउटडेटेड वर्जन अगर यूज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो वल्नरेबल है। ओके कोई भी अपडेट किस लिए आता है मार्केट में? प्रीवियस वाला कोई ना कोई उसमें इशू है, बग है, तभी न्यू अपडेट आता है। क्लियर? तो हम लोग एनुमरेशन की हेल्प से सब चीज़ पता लगा सकते हैं, क्या क्या टूल्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या प्लगइन्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लगइन का वर्जन क्या है, क्या वो आउटडेटेड है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिल चुका है। प्लगइन्स का URL, थीम का कौन सा थीम यूज़ हो रहा है, और जितना भी और इन्फॉर्मेशन है जैसे कि बैकअप मिला कि नहीं मिला, और अलग अलग टूल्स हम लोग को पता लगा सकते हैं। अब इसको करते हैं हम क्लियर, और अब करते हैं यूज़र नेम एनुमरेट। तो हाइफन यू आप टाइप कीजिएगा तो ये यूज़र नेम एनुमरेशन चालू करेगा। हाइफन यू, ओके आई थिंक ये होगा हाइफन यूज़र नेम्स। आई थिंक हम लोग कमांड में कुछ गलत डाल रहे हैं। तो आप सिंपली wp scan hyphen h लिख के हेल्प कमांड्स देख सकते हैं। ओके तो hyphen capital U,
ओके, तो लगता है हम कमांड गलत डाल रहे हैं। जैसे मेरे को चेक करने दीजिए क्या कमांड था इसका, बिकॉज हाइफन यू यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी, हाइफन हाइफन एनुमेरेट यू, अब ये यूजर नेम एनुमेरेट करेगा। ओके सो आप देख सकते हैं एनुमेरेटिंग यूजर्स वाया पैसिव एंड एग्रेसिव मेथड। तो आपको पैसिव एग्रेसिव मेथड पता होना चाहिए बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को दो यूजर मिला, इसरा इसरा महमूद, दोनों एक ही यूजर हैं, ऑथर और ओके, तो एक ही यूज़र हम लोग को एनुमेरेट यहाँ पे हम कर पाए। तो कोई और यूज़र नेम हम पता लगा सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो एनीवन, किसी को कोई सजेशन देना है, ब्लॉग कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट का एग्जांपल जिसको हम लोग यहाँ पे स्कैन कर सकें, एनीवन लेट मी नो ऐसा कोई वेबसाइट जो वर्डप्रेस पर बनाओ फास्ट। रिमेंबर, ऐसा वेबसाइट जो वर्डप्रेस पर बना हुआ है, वन बाइट लैब, वो वन बाइट लैब्स का अकाउंट वर्जन है, उसको हम स्कैन नहीं करेंगे। कोई और वेबसाइट का नाम बताइए। नो, इट कैन नॉट बी डन ऑन एनी कमांड प्रॉम्प्ट। आपको ये सिर्फ कैली लिनक्स में ही होगा। एनीवन, वर्डप्रेस वेबसाइट का एग्जांपल, मेरे को उसका डोमेन नेम लिंक चाहिए, सिर्फ नाम दे देने से नहीं काफी होगा। टेक क्रंच बिल्ट विथ वर्डप्रेस पे नहीं बनाया, हम लोग ट्राई करते हैं टेक क्रंच का। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया, लेट अस सी क्या रिजल्ट हमको मिलता है। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोग को डिटेल्स मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे यूज़र्स हम लोग को लिस्ट मिल गए हैं। एक एक वेबसाइट काफ़ी है, हम लोगों ने एक ही एक परफॉर्म कर लिया, वही काफ़ी है। तो देख सकते हैं कि हम लोग को थॉमस, विक्टोरिया, विनीत, थानेदार, यशद, कुलकर्णी, बहुत सारे यूजर नेम्स हमको मिल चुके हैं। ओके, तो ये कुछ तरीके थे जिसके हेल्प से हम लोग डब्ल्यू पी स्कैन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ डब्ल्यू पी स्कैन। अब देखते हैं एचपिंग थ्री। तो एचपिंग थ्री बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एन मैप स्कैन किया, डब्ल्यू पी स्कैन को इंट्रोड्यूस किया,
तो यही प्रैक्टिकल है, इसका मतलब अभी ये नहीं है कि हम लोग उसका एक्चुअल में यूज करके कुछ हैकिंग वगैरह करें। जब वो टॉपिक शुरू होगा एक्चुअल में एक्सप्लॉइट करने वाला, तब उन टूल्स का इस्तेमाल होगा, अभी नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे इतने सारे फ्लैग वैल्यूज हैं जिसके हेल्प से हम लोग एचपिंग को यूज कर सकते हैं, तो एचपिंग कमांड का ये खास बात है कि उसके हेल्प से हम लोग डॉस अटैक्स, स्कैनिंग और बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रेस रूट, सूडो एचपिंग 3 -- ट्रेस रूट -v। सॉरी -1। आईपी एड्रेस हम कहाँ कहाँ निकालें, तो पिंग सर्टिफाइड हैकर .com, तो हम लोग को मिला ये आईपी एड्रेस। कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट सिलेक्शन, हिट एंटर। तो यहाँ पे जनरली ऐसे ट्रेस आउट होता है, बट मे बी मेरे अडेप्टर में थोड़ा इश्यू, इस कारण से ट्रेस आउट कंप्लीट नहीं करेगा, बट ये मेथड है ट्रेस रूट करने का। ओके, तो इसको हम अभी बंद करते हैं। यहाँ पे एक दूसरा कमांड परफॉर्म करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ओपन पोर्ट नंबर पता लगा सकते हैं। ओके, आईपी एड्रेस डालेंगे, ओपन पोर्ट नंबर पता लगाएंगे, सूडो एचपिंग 3 -v -s, सॉरी -s, पोर्ट नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे, -s 5050 और आईपी एड्रेस। स्कैन करना पड़ेगा हमको फिर से, पिंग सूडो पिंग सर्टिफाइड हैकर .com। तो हम लोग को मिला यहाँ पे 162 पेस्ट सिलेक्शन देन स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग का हो चुका है चालू स्कैनिंग। तो ऐसे ही ये स्कैन करते रहेगा जब तक वो ख़त्म ना हो जाए पूरा स्कैनिंग। ओके, तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि जब एचपिंग और एनमैप का काम सेम है, तो अलग अलग टूल्स क्यों हैं? यही तो बात है, अलग अलग ऑप्शंस रहने चाहिए अलग अलग टूल्स के, ताकि अगर एक टूल फेल हो तो दूसरा टूल काम आ सके। तो ये था एचपिंग 3 आपका, नॉर्मल नॉर्मल कमांड्स जैसे जैसे हम लोग एनमैप पे कर सकते हैं, स्कैन करना, पोर्ट स्कैन करना और छोटे मोटे और कॉन्फ़िगरेशंस को फैच करना, जो कि हम एनमैप से भी कर सकते हैं, वो हम लोग एचपिंग 3 से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा है एनमैप कैसे यूज़ करते हैं, एचपिंग 3 कैसे यूज़ करते हैं और डब्ल्यूपी स्कैन कैसे यूज़ करते हैं।
तो किसी को कोई डाउट अभी तक? हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं. एनीवन एनी डाउट्स? लेट मी नो इन द लाइव चैट. How can we find if the site is WordPress? Well, पहली बात तो अगर आप WP scan command use करके उस वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं जो कि WordPress पे बना ही नहीं है, सपोज google.com, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बोल देगा कि साइट इज़ नॉट बिल्ट ऑन WordPress. जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि वेबसाइट इज़ नॉट बिल्ट ऑन WordPress. तो ऐसे भी स्कैन आपका अबाउट कर दिया गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे सूडो यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ सूडो यूज़ कर लेते हैं. सूडो कह सकते हैं कि द यूआरएल सप्लाइड रिएक्ट्स टू गूगल यूजर इग्नोर में, तो ये स्कैन नहीं हो पाएगा. ओके, अब एक्चुअल तरीका क्या है पता लगाने का ये सब चीज़, तो आप पता लगा सकते हैं builtwith.com. builtwith.com एक टेक्नोलॉजी लुकअप टूल है जिसके हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है. अब जैसे कि पता लगाते हैं टेक क्रंच, तो टेक क्रंच जो है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पता लगा लिया कि वर्डप्रेस पे था, फिर भी इसको हम एक बार स्कैन कर लेते हैं. तो टेक क्रंच डॉट कॉम में एनालिटिक्स में ऐसे ऐसे टूल्स यूज़ कर रहा है ये, उसके बाद विजेट्स में ऐसे ऐसे टूल्स हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स दिख पा रहे हैं, वर्डप्रेस का नाम आ रहा है यानी कि वर्डप्रेस पे बना हुआ है ये. ई कॉमर्स एसएपी, कॉमर्स क्लाउड फ्रेमवर्क पीएचपी, कंटेंट डिलीवरी क्लाउड फेयर, वर्डप्रेस पेमेंट्स, पेपाल, एप्पल पे, कंटेंट मैनेजमेंट में यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्डप्रेस पे बना हुआ है ये, वर्डप्रेस 5.5. ओके, तो builtwith.com से हम किसी भी वेबसाइट का टेक्नोलॉजी जिस पे वो बना हुआ है वो पता हम लोग लगा सकते हैं. किसी कोई डाउट? एनीवन? नॉन वर्डप्रेस स्कैन करने में आपको बताया मैंने ना, एनमैप पे आप कर सकते हो. जो वेबसाइट वर्डप्रेस से नहीं बना है वो एनमैप पे स्कैन होगा. जो ये टूल है, जैसे कि ये वर्डप्रेस पे नहीं बना हुआ है, इसको मैं अगर स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे स्कैनिंग शुरू कर देगा. तो ये नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए. किसी को कोई डाउट? एनीवन? तो यही था हम लोग के इन छोटे से तीन टॉपिक्स के प्रैक्टिकल्स में. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग वैसे भी सिस्टम हैकिंग पे मूव करेंगे. सिस्टम हैकिंग का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करके सिस्टम हैकिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि विंडोज सिस्टम को कैसे हैक किया जाए, विंडोज 10 में क्या क्या कमियाँ हैं, कैसे कैसे वल्नरेबिलिटीज को निकाल सकते हैं. ओके, ZenMap कहाँ से खुला? ZenMap जो है ना आपका ग्राफिकल टूल है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. ZenMap फॉर nmap सर्च कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, nmap डाउनलोड पेज पे जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो ये विंडोज वर्जन हो गया आपका nmap का. या तो आप सीधे सर्च कीजिए ZenMap, यहाँ पे आपका लिस्ट पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा. तो ZenMap फॉर विंडोज एंड ZenMap फॉर Kali Linux, ये दो अलग अलग टूल्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए. क्लियर सबका? एवरीवन, कोई डाउट यहाँ पे है तो आप पूछ सकते हो.
तो अब नेक्स्ट क्लास में जो कि परसों होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सिस्टम हैकिंग, सिस्टम हैकिंग की थ्योरेटिकल पार्ट और सिस्टम हैकिंग का प्रैक्टिकल पार्ट। यस, टूल्स टूल्स जिप में जेन मैप है, मॉड्यूल नंबर आई थिंक मॉड्यूल नंबर 3 में आपका एन मैप जो है, वहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स नाम का एक फोल्डर होगा, नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स, वहाँ पे आपका जेन मैप होगा। तो सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, क्योंकि कल वैसे भी हम लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस एवरीवन। अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा परसों, 27th of January। ओके, तो आप क्लास को आप लीव कर सकते हैं एंड लेट अस मीट डे आफ्टर टुमारो। यस, द रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।